नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उन्नाव की खास खबरों का। देखिए कुलदीप यादव की पहली खबर। 2.25 लाख रुपए की व्यापारी के साथ हुई लूट। 2.25 लाख रुपए और जरूरी कागजात सहित लुटेरों ने पार किया व्यापारी का बैग। व्यापारी की दुकान के ठीक सामने उससे ये लूट हुई। पीड़ित ने बताया कि लुटेरे बाइक पर सवार थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए कुलदीप यादव की उन्नाव से। बड़ाखेड़ा गांव में तेंदुए की चहलकदमी से मचा हड़कंप। खेतों में रखवाली करने गए युवक पर किया हमला। जान बचाने के लिए युवक ने फावड़े और लाठी का इस्तेमाल किया। परिजनों ने घायल युवक को सीएचसी में कराया भर्ती। उन्नाव के पूर्व विधायक अनिल सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। विधायक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। विधायक की शिकायत के बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को पकड़कर जेल भेजा। लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों को लेकर बढ़ सकती है पूर्व विधायक की सुरक्षा। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए बांगरमऊ से निखिल कुमार की। बांगरमऊ में सड़क किनारे गड्ढों की मिट्टी भरान कर रहे ट्रैक्टर खांती में पलटा, जिससे ट्रैक्टर चालक को भी चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। लोकेंद्र सिंह लकी की देखिए अगली खबर। हसनगंज उन्नाव से। हापुड़ की घटना को लेकर लगातार अधिवक्ता हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर हसनगंज में भी अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। आज भी अधिवक्ताओं द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व महामंत्री राजीव कुमार सिंह ने बताया कि हापुड़ बार एसोसिएशन के द्वारा एक पत्र जारी कर बताया गया कि बार काउंसिलिंग मनमाने ढंग से एसोसिएशन के पीड़ित अधिवक्ताओं को बिना विश्वास में लिए आंदोलन समाप्ति के निर्णय पारित किया गया है। बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश समस्त अधिवक्ता समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जिससे हापुड़ बार एसोसिएशन सहमत नहीं है। यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।